क्यों चले गए भाई? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर बाहर बहुत ठंड है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाए। अगर माइनस से नीचे चला गया, जीरो से नीचे चला गया, तो इनके बॉडी का ब्लड वगैरह तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाए। तो जो पेट के अंदर बर्फ बन जाए और गर्मी में क्या हो गया, गर्मी में हमारी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, खून खौलने लगे, मेरा खूबा हमारा खून लगे, तो दोनों परिस्थिति के बच जाएगा बेचारा। तो ईश्वर ने मुझे कहा कि ऐसा है भैया, चला जाओ जमीन के नीचे, पांच छह फीट नीचे चला जाओ, कोई ठंडा गर्मी पे कोई असर नहीं, आराम से पड़ा रहो, आराम से उठा लिया। तो मैं किए जब एनर्जी कहाँ से मिली, तो कहा जो चर्बी उर्बी इकट्ठा की हो उन्हें चर्बी से एनर्जी मिली, तो आठ महीना बच जाता है। जब वो कैसे सांस ले, जब वो इस से सांस ले, तब वो सांस कैसे लेगा, जाना इसकी से सांस। लेकिन यही पेट है, जब वो बच्चा था, जब वो बच्चा था, जब वो लार्वा अवस्था में था, जिसको हम क्या कहते हैं टैडपोल, तब ये सांस कैसे लेगा, तब ये सांस लेगा गिल्स से, किसे लेगा गिल्स। तो मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो लंग्स से भी सांस ले सकता है, जो स्किन से भी सांस ले सकता है, और जो अपने बचपन में